भाजपा आईटी सोशल मीडिया के प्रभारियों की बैठक बेनीगंज स्थित भाजपा पार्टी कार्यालय पर क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉ. धर्मेंद्र सिंह की अध्यक्षता में बैठक संपन्न हुई, जिसके संबंध में आईटी विभाग व सोशल मीडिया विशेषकर कोविड प्रोटोकॉल में एक साथ कोई बड़ी सभा नहीं कर सकते। ऐसे में आईटी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के माध्यम से केंद्र में मोदी और प्रदेश में योगी की प्रचार हो और साइबर योद्धाओं के माध्यम से तथा कोरोना काल में सोशल मीडिया के माध्यम से जन जन तक सरकार की उपलब्धियों को पहुंचाने का कार्य करेगी। उन्होंने बताया कि पूरे दुनिया में भारतीय जनता पार्टी सबसे अधिक सदस्य वाली पार्टी है। उन्होंने बताया कि नगर विधानसभा के 441 बूथों पर व्हाट्सएप ग्रुप पर कम से कम हर बूथों पर 100 लोगों को जोड़कर व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जाएगा तथा प्रदेश सरकार की उपलब्धियों को जनता तक व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर आम जनता को व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़कर सरकार की उपलब्धियों को बताया जाएगा। इस अवसर पर आईटी के महानगर संयोजक समीर श्रीवास्तव, सोशल मीडिया के महानगर संयोजक नीलेश पांडे, क्षेत्रीय संयोजक अनुभव तथा मीडिया प्रभारी चंदन आर्या सहित भाजपा के कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉ. धर्मेंद्र सिंह ने कहा, शेयर करेंगे और सभी के थ्रू हम लोग सबको फॉरवर्ड भी करते रहेंगे समय समय से। और हम लोग सबसे इम्पोर्टेंट जो काम है वो ये पहुंचाया जा सके समय समय में, ठीक है। एक डॉट कॉम एक नॉट कॉम, तो कोई जरूरी नहीं जिसको बहुत लंबा अनुभव है और वो अगर सोशल मीडिया के इस प्लेटफॉर्म पर कोई छोटा बच्चा भी बहुत अधिक जानकारी के साथ उसको ठीक से एस्टेब्लिश कर सकता है। मैं कल शाम को जब यहाँ से कार्यालय में बैठने के बाद मैं जब घर गया तो घर पर मैंने आज तक टीवी लगाया, देर हो गया था, उसमें भी 100-200 लोगों से नहीं रह सकते, बड़ी कोई सभा रैली नहीं कर सकते। तो ऐसे समय में ये जो चुनाव लड़ा जा रहा है, इस चुनाव में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होगी हमारे आईटी सेक्टर के योद्धाओं का, और इसलिए आप सबकी एक बहुत बड़ी भूमिका होने वाली है। इसलिए आज की इस बैठक में क्या क्या करनी कार्य हैं ये आप सबको ध्यान में है। मैं विस्तार से उसके बारे में नहीं, एक तरफा बैठक नहीं होगी, ये थोड़ा संवाद आपके भी आपके महत्वपूर्ण सुझाव क्या है, एक बार इधर से मैं परिचय कराऊंगा, फिर उधर का परिचय करूंगा, और फिर आप सबके महत्वपूर्ण सुझाव इस चुनाव में, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री गोरखपुर से चुनाव लड़ रहे हैं, गोरखपुर में हम चुनाव को एक कैसे एक अलग ढंग का प्रचार के आईटी सेक्टर के माध्यम से कैसे अलग ढंग से प्रचार को हम कर सकते हैं, कैसे 32,000 लोगों को प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री आवास मिले हैं, जिनके झोपड़ी और खपड़ेल को बदल करके उनको छत देने का काम उत्तर प्रदेश की सरकार ने, आप कल्पना करिए तो पूरे उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की सरकार जो 2012 से 2017 तक थी, उसमें पूरे उत्तर प्रदेश में केवल 18,000 लोगों को आवास मिला था और केवल गोरखपुर महानगर में 32,000 लोगों को आवास देने का काम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। विशेषकर कोरोना की वैश्विक महामारी के नाते जो कोरोना के प्रोटोकॉल हैं, चुनाव आचार संहिता में भी बहुत सारे प्रतिबंध लगाए गए हैं, उसके दृष्टि से आज आईटी और सोशल मीडिया हमारे जो आईटी के योद्धा हैं उनकी ये बैठक है। हम चुनाव को कैसे सरकार की हमारी जो केंद्र सरकार की उपलब्धियां हैं, योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जो ऐतिहासिक 5 वर्ष की उपलब्धियाँ हैं, इन सबको सोशल मीडिया के माध्यम से आईटी सेक्टर के माध्यम से कैसे हम जनता के बीच में ले जाएं, प्रचार को नीचे तक ले जाएं, उसके दृष्टि से आगामी गोरखपुर नगर विधानसभा में चुनाव को और कैसे गति दी जाए, और विशेषकर गोरखपुर क्षेत्र में इस सेक्टर के आईटी सेक्टर के माध्यम से हम चुनाव को कैसे आगे बढ़ा सकें, गति दे सकें, इसके लिए आज आईटी और सोशल मीडिया की ये महत्वपूर्ण बैठक हो रही है।